Hello, my champions. I'm your Akanksha ma'am, and I'm again here with a new activity, which is shape activity. So, आज हम बहुत ही simple तरीके से shapes के through heart बनाना सीखेंगे. We'll use three type of shape: square, triangle, and rectangle. तो इसमें क्या-क्या material require है? सबसे पहले हम वो देख लेते हैं. हमें इसके लिए चाहिए pencil, eraser, blank sheet, scale, and two sketch pens, brown and red. If you don't have sheet and sketch pen, please don't worry, because this is the time of lockdown and we don't have any option to purchase. So you can do this activity in your rough page, because you have to learn this only. So you can make it in fair after the lockdown. So let's start. इसमें हम सबसे पहले स्क्वायर बनाएंगे. स्क्वायर क्या होता है? जिसकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं. तो हम स्केल की हेल्प लेंगे और इससे हम 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बिल्कुल सेंटर में ले लेते हैं और 8 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ऐसे डॉट बना देंगे पहले. ये देखिए, ये 8 सेंटीमीटर है, यहाँ तक आपने ड्रॉ कर लिया. ठीक है, इसको हम ना ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके लाइन. अब ऐसे ही 8 सेंटीमीटर इस साइड से. इस साइड से भी 8 सेंटीमीटर और यहाँ से. अब इसको हम जॉइन कर लेंगे इन दोनों डॉट्स को. ये हमारा स्क्वायर बन गया है. अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं. अब हमें यहाँ पे बनाना है ट्रायंगल, और ट्रायंगल भी हम इसी मेजरमेंट में लेंगे. अब हम इसका मिड पॉइंट लेंगे, और ये जो लाइन थी ये हमारी 8 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ की थी, और इसका मिड पॉइंट क्या है, बिल्कुल बीच में क्या है, 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक इमेजिनरी हल्की हल्की सी डॉट करके, और ये ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन ऐसे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कहाँ तक इसको मैच करना है जो हम ट्रायंगल बनाएंगे. अब ट्रायंगल भी हमें 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है. यहाँ से देखिए, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ तक हमें इसको ऐसे करके ड्रॉ करना है, और यहाँ से भी सेम ऐसे ही 8 सेंटीमीटर, और कहाँ ज्वाइन करना है, यहाँ बिल्कुल यहाँ पे ऐसे. तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया ना. अब हम इसको इरेज कर देते हैं. ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है. ये हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी. ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, इसमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. रेक्टेंगल की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम रेक्टेंगल की हेल्प से डोर बनाने वाले हैं. तो रेक्टेंगल बनाने के लिए फिर हम स्केल की हेल्प लेंगे, और यहाँ से हम डॉट, यहाँ पे डॉट लगाएंगे. एक हमारा डॉट लगेगा 3 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे आप डॉट लगा दीजिए, और दूसरा हमारा लगेगा 5 सेंटीमीटर पे. ठीक है, ये बिल्कुल इसके सेंटर में बनेगा फिर, और ऐसे ही बिल्कुल हमें इसके ऊपर ऐसे 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, और इधर से भी ऐसे ही 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देंगे. ये डोर बन गया हमारा. ठीक है, तो हमने शेप्स के थ्रू ये हट बनाना आज सीख लिया, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है. अब हम इसमें स्केच से आउटलाइन कर देते हैं, ताकि इसका लुक और भी अच्छा हो जाए. सबसे पहले हम यूज करेंगे ब्राउन स्केच, और इसकी आउटलाइनिंग करेंगे. स्केल की हेल्प लेंगे फिर से, और जहां भी हमने जो जैसे जैसे ड्रॉ किया है, उसके ऊपर ऐसे आउटलाइन कर देंगे. यहाँ इसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये डोर है, डोर को छोड़ के यहाँ आते हैं, और अपना ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं. ये ऐसे स्क्वायर कंप्लीट हो गया, अब हम ऊपर अपना ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे. तो आज हमने
स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल से एक बहुत ही इजीली एक हट बनाना सीखा है और अब हम इसका गेट बनाएंगे जो कि रेक्टेंगल के थ्रू था, रेक्टेंगल की हेल्प से था। और ये मैंने रेड स्केच लिया है। आप कोई भी स्केच का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास स्केच पेन है तो, अगर नहीं है नो प्रॉब्लम। तो अब हमने इसमें स्केच से आउटलाइनिंग कर ली है। अब इसे और भी अच्छा बनाने के लिए, और भी सुंदर बनाने के लिए हम इसमें कलर कर सकते हैं। आप पेंसिल कलर यूज कर सकते हैं, क्रियॉन कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी कलर नहीं भी है, शीट भी अगर नहीं है, तो आप इसको रफ में सीख लीजिए कि इसे कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और एक शेप्स के थ्रू आप बहुत ही अच्छी सिंपल सी ड्राइंग कर सकते हैं। जब आपके पास कलर आ जाए, जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आप कलर ले आइए, कलर कर लीजिए और इसे और भी अच्छे से बना दीजिए। तो आई होप आज आपने कुछ सीखा होगा। क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ नहीं बताया, क्योंकि मटेरियल अवेलेबल हो भी सकता है, किसी के पास नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हमने ड्राइंग का सेशन आज लिया है जो कि कोई भी इजीली बना सकता है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, इरेजर एंड स्केल। स्केच पेन नहीं है, कलर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको बस सीखना है। थैंक यू सो मच माय डियर चिल्ड्रन, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।